तो एक बार फिर से पशुपालकों के सामने 26-27 किलो दूध की, मैं कहूंगा जबरदस्त, जो भैंस फिलहाल ड्राई है, बाखड़ी हो रखी है, कंफर्म चेक पास प्रेग्नेंट है आज के दिन, और मैं कहूंगा काफी अच्छी खासी जो पूंजी है लगा करके बिकी है। खरीदने वाले भी यही हैं, बेचने वाले भी यही हैं। एक जो डेयरी किसान है, फाइनली उनकी मेहनत रंग लाई। और किससे ज्ञापन करा रखा है इसको? ये शेर हिंदुस्तान से है, शेर हिंदुस्तान से, HSB सुरेंद्र सनसनीवाल भाई के पास जो बुल है उससे, उसके बच्चे लिए हैं जी, अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, ठीक है। तो पीक पे कितना दूध दिया था इसने? पीक पे 27-28 लीटर दूध दिया है। 27-28, तो अभी बच्चा है साथ में, नवाब का कटड़ा है, नवाब का कटड़ा, तो वो भी राहुल को भाई को साथ में ही दिया है, वो भी भाई को साथ में। ठीक है, तो ये दो थनों वाली 20 किलो दूध बहुत हो जाता है राहुल भाई। चार दांत इन्हें तोड़े, मतलब चौथे दांत तोड़े हैं अभी, चौथे दांत और रखी है, निकाले भी नहीं है। तो एक जो बुरी भैंस है इसकी क्या कुछ जानकारी? 26 किलो दूध दिया हुआ है, जिसने नॉर्मल घर पे रिकॉर्ड कहीं है नहीं, ठीक है, 5 महीने की प्रेग्नेंट है जी, अभी 9 से 10 लीटर दूध है, 1.5 साल की ब्याई है जी। 26.5 किलो दूध पीक पे दे रखा है, तो 5 महीने की ज्ञापन है, 1.5 साल की ब्याई हुई में भी आज 10 लीटर के करीबन 10 लीटर दूध है आज दे रही है। कटड़ी क्या कुछ जानकारी है? कटड़ी वो 70-570 की सीमन से है जी, ठीक है, 22 kg माँ का दूध रिकॉर्ड है, अभी मौके पे है, 1 महीना ब्याने का रह रहा जी उस कटड़ी का, उसकी माँ का। अच्छा, माँ का, तो ये ग्याबन है कटी? नहीं जी, अभी खाली निकले, खाली नहीं, खाली। तो दांतों में कैसे है? अभी खीरी है जी, खीरी है। तो मैं आपसे ही सुनना चाहूंगा कितने में फाइनली बेची है ये? 4,70,000 में सौदा है जी, 4,70,000 रुपए में बेची है। तो जो लेन देन है नकदम नकदा है, कैसे क्या कैश हम कैश सारा, कोई झूठ तो नहीं इसमें? क्योंकि काफी सारे भाई बोलेंगे 4,70 में तो 4-5 भैंसे ताजा आ जाएंगी। चलो जी, वो 4-5 भी दिखती है क्योंकि जितने में 4-5 आती है ऐसी होती है, और ये भी दिखेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार फिर से पशुपालकों के सामने 26-27 किलो दूध की, मैं कहूंगा जबरदस्त, जो भैंस फिलहाल ड्राई है, बाखड़ी हो रखी है, कंफर्म चेक पास प्रेग्नेंट है आज के दिन, और मैं कहूंगा काफी अच्छी खासी जो पूंजी है लगा करके बिकी है। खरीदने वाले भी यही हैं, बेचने वाले भी यही हैं। एक जो डेयरी किसान है, फाइनली उनकी मेहनत रंग लाई और काफी अच्छा पशुधन, न सिर्फ एक ही भैंस बल्कि अंदर की व्यवस्था के तौर पर मैंने इस डेयरी पे ब्रीडिंग के लायक मैं कहूँगा भैंसे हैं, और उनसे भाई ने काफ़ी अच्छे अच्छे बच्चे भी ले रखे हैं। उदाहरण के तौर पे एक शानदार जो कटड़ी है आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। एक एक पशुधन की बारीकी से डिटेल्स आप सब पशुपालकों के सामने जानेंगे। जो ओनर हैं सुनील जी, आप यहाँ पे देखिएगा, आज की स्पेशल वीडियो डिस्ट्रिक्ट कैथल के गाँव खानपुर से हो रही है। और जो खरीदने वाले हैं राहुल भाई, आप देख सकते हैं बिल्कुल यंग एज है भाई की, इन्होंने इस बफलो को घर के लिए खरीदा है। तो ब्रीडिंग का मन है कैसे क्या, एक एक चीज़ बारीकी से जानने का प्रयास करेंगे। तो जितने भी ग्रामीण हैं उनके बीच में वीडियो कवर कर रहा हूं सीधा। सबसे पहले जो सुनील भाई साहब हैं इनके पास लेकर के चलेंगे बारीकी से डिटेल्स जानने का प्रयास। तो सुनील जी सबसे पहले नमस्कार है सर। भाई साहब आपके चैनल देखने वालों को सभी को नमस्कार जी। जी कैसे हो? ठीक हो? ठीक ठाक। डेयरी का काम आए ठीक से के ठीक से? मारे तो 1 महीना हो गया भैंस ने बेई ने, बेरा ने क्यों हो गया उसके, तो दूध देना बढ़ाती वो। तू एक काम करे न, जो ट्राजेट दवाई दिया करे वह तू भी देख देख ले। ऐसा कर तू ही पूछ के बता दे उनते। हाँ मैं बुझूं, सुनो के ए बावली देनू केल जेल दो भैंस ताई दूध दूध और 24 घंटे में सर देनू केल जेल। हाँ बेबे हाँ, पशुधन स्वस्थ तो किसान समर्थ, इसीलिए धेनु केल जेल दुग्ध विकास के लिए। बता रहे थे कितने साल से लगातार कर रहे हो? 8-9 साल से कर रहे हैं। 8-9 साल से, और एकमात्र मैं कहूँगा डेयरी फार्म आपका ऐसा है जो साल में 5 रुपये कीमत दूध की बढ़ाता भी है। ठीक है, तो कितने दूध की भैंसे आज के दिन अपने फार्म पे हैं? मेरे पास 1500 लीटर से लेके जी, हाँ, सबसे ज्यादा दूध की 27-28 लीटर तक, 27-28 लीटर तक की। तो कितनी पूंजी भर भर के ला रखी है भैंसे? डेयरी के ऊपर तो हमने लगभग 1-1.25 लाख तक की भैंसे आज तक देखी। सबसे लो क्वालिटी 1,65,000 से शुरू होके जी, हाँ हाँ, 5.5-6 लाख तक, 5.5-6 लाख तक का जो माल है वो आप रखते हो। बात करें उम्र, क्या कुछ एज है आज के दिन? मेरी सर 35 साल है। 35 साल की उम्र है, तो सारा दूध से ही अपना घर परिवार सारा दूध बेच करके ही गुजर बसर हो रही है अपनी। ठीक है, तो जो झोटी है, जो बफलो आप कह लीजिए, जो पीछे आपके खड़ी है, कितना दूध पीक पे दिया? फिलहाल कौन से ब्यात में है? कितने दिन की क्या जी? 5 महीने की प्रेग्नेंट है।
और अभी 16 से 17 लीटर दूध मौके पे तैयार है। ये देखो जी, दूसरे ब्यात में जी, दूसरे ब्यात में बफलो है और 6 महीने की कंफर्म चेक पास प्रेग्नेंट है। छठे महीने में लगी हुई है। 14 तारीख को 5 महीने की कंफर्म होगी। आज कितना दूध है इसमें मौके पे? 16 से 17 लीटर दूध आज भी तैयार है। और किससे ज्ञापन करा रखा है इसको? ये शेरे हिंदुस्तान से है। शेरे हिंदुस्तान से HSB सुरेंद्र सनसनीवाल भाई के पास जो बुल है उससे उसके बच्चे लिए जी। अच्छा रिजल्ट है। अच्छा ठीक है। तो पीक पे कितना दूध दिया था इसने? 27 से 28 लीटर दूध दिया है। 27 28। तो अभी बच्चा है साथ में, नवाब का कटड़ा है। नवाब का कटड़ा तो वो भी राहुल को भाई को साथ में ही दिया है। वो भी भाई को साथ में। ठीक है, तो मैं आपसे ही सुनना चाहूंगा कितने में फाइनली बेची है ये? 4,70,000 में सौदा है जी। 4,70,000 रुपए में बेची है। तो जो लेन देन है नकदम नकदा है कैसे क्या? कैश ऑन कैश सारा, कोई झूठ तो नहीं इसमें? क्योंकि काफी सारे भाई बोलेंगे 4,70 में तो 4-5 पैसे ताजा आ जाएंगी। चलो जी, वो 4-5 भी दिखती है क्योंकि जितने में 4-5 आती है कैसी होती है और ये भी दिखेगी लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 27-28 लीटर आपके फार्म पे इसने दूध निकाल रखे। तो चलिए, 17 लीटर अब भी टाइम आ सकता है जी। अच्छा, कोई भी भाई है कितने टाइम का? ठीक है, और 4 किलो से ऊपर की गाड़ी है जी। बहुत बढ़िया। तो पशुधन पे चलते हैं जी। चेरे मोरे की बनावट से लेकर के लंबाई ऊंचाई काफ़ी ज़बरदस्त, पीठ की क्वालिटी आप देख लो और शरीर में मोटी मोटी वेंस जो नसें हैं इसमें आपको देखने को मिलेंगी। फोरहेड से लेकर के नीचे के जो सिस्टम जो टिट स्पेसिंग वगैरह है वो आप सब पशुपालकों के सामने और पशुधन आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छी जो भैंस फाइनली 4,70,000 रुपये की यहाँ से सेल होकर के जा रही है आपके डिस्ट्रिक्ट कैथल के सेरदा गाँव में, है ना। तो राहुल भाई सबसे पहले नमस्कार है आपको। भाई साहब संदीप अपना और आपका चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने मेरी ओर सराहना। जी जी, कैसे हो? ठीक हो? ठीक ठाक है भाई साहब। तो राहुल भाई, नए बच्चे आजकल या तो नौकरी करते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं, सबसे पहले उम्र क्या कुछ रही है आपकी? 23 साल है भाई साहब। 23 साल की उम्र है। बात करें कैसा कैसा पशुधन आपके घर पे है सबसे पहले? बढ़िया भाई साहब, सारे 5-6 महीने से घर पे है। हाँ, देसी गाय है, जिस तरह मतलब बैल बुल जोटा सारे हैं भाई साहब। ठीक है, तो कितने दूध की भैंसे रखते हो भाई साहब? जिस तरह 18-20 से 23-24 की हैं सारी। ठीक है, तो ब्रीडिंग का पर्पस है, दूध का कारोबार है या खरीद बेच का काम है अपना? भाई साहब जिस तरह 5-10 पशु तो अपना घर पे स्टार्टिंग दे रहे हैं। अच्छा, तो इवन है सारे जिस तरह बढ़िया है तो ब्रीडिंग पे, जिस तरह तो कोई बच्चा बढ़िया तैयार हो तो अपना कर लेंगे। अच्छा अच्छा, स्टार्टिंग 10-12 पशु। तो नवाब का कटड़ा साथ में मिल रहा है आपको? नवाब का कटड़ा और शेर हिंदुस्तान से 5 महीने की प्रेगनेंट होगी, छठा में लग रही है। अच्छा अच्छा, तो दोनों अच्छे हैं, अच्छी ब्लड लाइन के जो बुल हैं वो। और क्या जो कटड़ा है उसका क्या करोगे, लाइक किसी को सेल करना है या घर पे तैयार करोगे? फिलहाल तो बात नहीं हो रही हमारी दोनों की, नहीं मिला पढ़ना तो कटड़ा वापस देना भाई। सुनील भाई साहब, सुनील भाई साहब को ये बोले भाई मेरे को इसकी निशान नहीं रखनी। अच्छा ठीक है, जिस तरह अपना जाओगे मैं तो कहूँ भाई वहाँ कोई बात नहीं, बढ़िया तैयार कर देंगे। हाँ भाई मेरे दे दिए, तो जिस तरह अपना यारी दोस्ती में लिया अपना भाई भैंस दे भी कौन था अपना। अच्छा हाँ, ये नहीं बोले भाई वहाँ तेना कोई दिक्कत तेरे घर पे वहाँ पे भी तेना जो वापस दे दें। 2 दिन से लगातार यहाँ विजिट चक्कर पे चक्कर मारे जा रहे हो, तब जाके डील हुई है? लगातार पे लगातार हो गए भाई साहब। अच्छा अच्छा, तो 4 महीने से पहले कह रहे थे भाई जिस तरह ये मेरा छोटा भाई देख गया ना इन्हें पसंद आया, भाई सोनू बोल देवा भी निंदा भी निंदा, फिर उस दिन बोला चल भाई ले जा कोई बात नहीं अपना अपना घर जाओगे। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप सेरदा गांव से हो, एक बाखड़ी भैंस की वीडियो मैंने कवर करी थी 3 महीने की ब्याई में, 3 महीने की ज्ञापन में करीब करीब 18 किलो दूध था, 25+ की जो पीक पे रिपोर्ट थी वो उसकी रही थी। तो जब वो वीडियो मैंने डाली, नरेश भाई ने काफी अच्छी जो कीमत है उसकी मांगी थी, तो लोग उसमें भी कमेंट कर रहे थे कि घर लूट लो किसी का, कड़ियां उतार ले जाओ वो ठीक रहेगा, ज्यादा महंगी। अब आपने ये भैंस आज 4,70,000 रुपए की खरीदी, तो कहने वाले यहाँ पे भी कहेंगे लेन देन कैसा रहेगा, नकदम नकदा है कैसे रहेगा? नकदा नकदी है तो किसी तरह की कोई झूठ नहीं? कोई झूठ नहीं है भाई साहब, पता के बाद झूठ ना तो लोग कह देंगे भाई लाख के सवा लाख के नहीं तो कहीं जाओ इसका कोई है मतलब, वो तो अपन अगर चीज पसंद आ रही है तो आप ले आइए। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, की आपने एक मैस और देखी होगी 2-5 लाख की 51,000 रुपए का है, लोग तो उसने भी कहते हैं कम किया नहीं, तो ये 2 थनों वाली 5,51,000 रुपए की है भाई साहब, गुआना के पास बावड़ गाँव है। अच्छा भाई साहब, कितना दूध पीक पे दिया इसने? पीक पे ये खीरी भी आ गई थी, खीरी ने 20.5 किसी तरह दूध दे रही है भाई साहब, इस तरह ये भी इसके ब्याने के 20 दिन बाकी है। तो झूठ तो नहीं है किसी तरह का, क्योंकि खीरी में 20 किलो दूध बहुत हो जाता है राहुल भाई। 4 दांत के तोड़े मतलब चौथे दांत तोड़े हैं अभी, चौथे दांत और रखी है अभी निकाले भी नहीं है। ठीक है, सेकंड टाइम है वो भी, ये भी सेकंड टाइम है। तो ये देखो जी, सबसे पहले जो 2 दांत जो झोटी है वो, माफी चाहूंगा, जो 4 दांत झोटी है 2 थनों वाली जिसको घर और व्यापार में हम लोग शुभ मानते हैं, ब्यूटी वाला फेस लंबाई ऊंचाई के साथ आप देख सकते हैं आराम से चली जा रही है,
और ये 5,51,000 रुपए की खरीद के लाए हैं। जब इतनी पूंजी लगा करके पशुधन को खरीदने का दम रखते हैं तो मैं कहूंगा कहीं ना कहीं जब बेचते हैं तो वहां पे भी आपको अच्छी खासी पूंजी देखने को मिलेगी। तो खीरी की रिपोर्ट इसकी दो थनों वाले की, कितना दूध? 21 किलो जी। 21 किलो दूध कोई भी बावड़ गांव में जाके पता कर सकता है, सच्चा दूध है सारा। तो 21 किलो दूध। तो सुनील जी क्या प्लान है इसका, सेल करोगे इसको? सेल का कोई मोड़ नहीं है, सेल नहीं करना है इसको, घर के लिए लेके आए। ठीक है, तो एक जो बूरी भैंस है इसकी क्या कुछ जानकारी? 26 किलो दूध दिया हुआ है, जिसने नॉर्मल घर पे रिकॉर्ड कहीं है नहीं। ठीक है, 5 महीने की प्रेग्नेंट है जी, अभी 9 से 10 लीटर दूध है, 1.5 साल की भी आई है। 26.5 किलो दूध पीक पे दे रखा है, तो 5 महीने की ज्ञापन है, 1.5 साल की ब्याई हुई में भी आज 10 लीटर के करीब 10 लीटर दूध आज दे रही है। बगैर बच्चा, भाई साहब ये बच्चा मर गया, इसको सेल करना है? इसको भी सेल नहीं करना, इसको भी सेल नहीं, कोई सेल के लिए नहीं। तो अच्छी भैंस है जो टॉप क्लास है उनको तो आपने बेचना नहीं फिर, है ना? जी जी, इनके लिए रखी हुई है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, ऐसा पहला डेयरी फार्म हमने देखा जहाँ इतने दूध की क्वालिटी वाली भैंसे, क्योंकि डेयरी पे तो आपको पता है 10, 12, 14, 15 लीटर तक की भैंसे देखने को मिलती हैं। पहला डेयरी फार्म हमारी नजर में ऐसा है, क्वालिटी के साथ साथ 20 प्लस जो दूध है वो देखने को मिला। कटड़ी क्या कुछ जानकारी है? कटड़ी वो 70570 की सीमन से है जी। ठीक है, और 22 केजी माँ का दूध रिकॉर्ड है, अभी मौके पे है, 1 महीना ब्याने का रह रहा जी उस कटड़ी का, उसकी माँ का। अच्छा, माँ का, तो ये ज्ञापन है कटड़ी? नहीं जी, अभी खाली निकले, खाली। तो दांतों में कैसे है? अभी खीरी है, खीरी है, तो इसको भी नहीं बेचना होगा। ये देखो जी, मैं कहूंगा जो अच्छी अच्छी चीजें एक नायाब हीरे मैं कहूंगा खड़े कर रखे हैं यहाँ पे, जगह की मैनेजमेंट के कारण रुके हुए हैं जी, नहीं ऐसी ऐसी 50 भैंसे करेंगे। अच्छा, तो पूरा ब्रीडिंग फार्म एक अलग से रहेगा। ठीक है, वैसे ब्रीडिंग के लिए देख लेते हैं, बच्चे तैयार हुए आगे रिकॉर्ड बनाएंगे। तो सुनील भाई साहब क्या ऐसा क्या खिलाते पिलाते हो, क्योंकि डेयरी वाले तो खाने पीने की मैं कहूंगा ध्यान थोड़ा कम रखते हैं, क्योंकि इतने पशुओं में मेंटेन मैनेजमेंट करना थोड़ा मुश्किल काम है। आप ऐसा क्या खिला रहे हो, 25-26 से नीचे कोई भैंस है ही नहीं आपके पास? चार्ट तैयार करवा के लेके आता हूँ जी, जिसमें बिनोले की खड़, हाँ, चना जी, जौ जी, गेहूँ, हाँ, की और ये जी चना चूरी। ठीक है, ये मिक्स करके जी, ये और मेथी माथी कुछ और वगैरह मिक्सर वगैरह का ही तैयार करवाता हूँ। अच्छा, 37 से 38 किलो रेट का पड़ता है। ठीक है, तो ये सारा फीड बाहर से लेकर के आते हो? लेके जी मोल अपने सामने बनवाते। अच्छा, खुद खरीदते भी खुद ही हो, तैयार भी खुद ही करवाते हो? खड़े होकर पूरा दिन लगता है मेरा। ठीक है, कहीं चाय पीने भी नहीं जाता जब तक तैयार होता। 1 महीने में कितनी खपत हो जाती है फीड की बात करें तो? 90,000 का फीड लगता है जी 1 महीने का। तो दूध कितने का बेच देते हो फिर, थोड़ा आराम से बताना, गली पूरी सुन रही है, सीक्रेट जा रहे हैं आपके सारे बार आज। हाँ जी, बस यही मैक्सिमम 180 से लेके 210 का 270 का जा जाता है, कई बार बाखड़ी हो जाता है। अच्छा, 1.5 से कम 1.5 पे, ज्यादा से ज्यादा 200। मान के चले 1.5 लाख रुपए का आप दूध बेचते हो, 90,000 रुपए का आपका फीड हो जाता है, 60,000 रुपए डेयरी किसान डेयरी से घर बैठे एक सरकारी नौकरी जैसी सैलरी है वो आप ले रहे हो, और दूसरा बच्चे तैयार हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो हाईएस्ट सबसे हाईएस्ट भैंस कितने की खरीदी आज तक की? ऐसी ऐसी 55,000 की खरीदी है। ये दो थनों वाली जो लेकर के आए हो, सबसे महंगी भैंस यही खरीदी है। तो लोग कहेंगे चार थनों वाली तो अच्छी अच्छी पूंजी की, देखिए आपने दो थनों वाली के 5,51,000 रुपए लगा दिए। अच्छी लगी, हाँ, मैंने ले ली जी। अच्छा अच्छा, काफी टाइम से ख्वाहिश थी मेरी, मिल नहीं रही थी मेरे को। जी जी, बूरी भी मैंने 1 साल में ढूंढ के दी है। हाँ हाँ हाँ, 1 साल से बनने के पीछे था बड़ी मुश्किल से। अच्छा, ये भी खाली निकल गई उसके पास कई बार। हाँ हाँ, उसका मन उतर गया फिर उसने दी। तो सीमंस कहाँ से सेलेक्ट करके लाते हो, कोई सुझाव देता है सीमन ये लगवाओ ये लगवाओ? मेरा दोस्त है जी डॉक्टर राहुल, यहाँ सेट्टा से। हाँ हाँ, वो एचएसजी से भी डायरेक्ट लेके आता है जी, मैं भी साथ में चला जाता हूँ। ठीक है ठीक है, और ये इधर सुना रही है जी। हाँ जी, इनके पास लेके। ठीक है, तो वो आपको गाइड करते हैं और उन्हीं के हिसाब से आप चलते हो? दो ही दोस्त मेरे जी, आनंद डायरी वाला जी, तो फेट मिल जाए इसका है। जी, वो सजेशन करते हैं और एक ये भाई साहब राहुल जी। ठीक है, वो जो मेरी अपनी खुद की जितनी भी सोच बोझ है जी उससे कर ले। ठीक है, तो चलिए सुनील जी मिलके बड़ा अच्छा लगा, काफी अच्छी जो वीडियो है वो। और राहुल भाई आप आगे क्या क्या प्रोग्राम है, कोई भाई मान लो आपके घर इसको लेने पहुंचे तो सेल करोगे या रखोगे? भाई सब सेल के नहीं है, घर पे रखने के लिए नहीं है, घर पे रखने से धक्का करके ले। अच्छा, अगर अवेलेबल हो जी दोबारा से मैं ही गा को। अच्छा, तो फिर
खुद ही खा को तो फिर बेचनी नहीं थी। मैं अगर दोबारा ताजी बेचना चाहे तो मैं खुद लेने के लिए तैयार हूँ। अच्छा अच्छा, आप इसमें ऐसे की वैसे दे देंगे भाई सब, कोई दिक्कत नहीं, अपना दोस्त है दोस्त। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, भाईचारा निभाना चाहिए। तो ये कोई 100 बंदा बैंस को पूछने आ गया होगा जी, आज तक कभी मोल नहीं किया था इसके। तो इनके साथ ऐसा क्या मेल मिलाप था कि हाँ ही बढ़नी पड़े? इनसे रेगुलर भाई विजिट कर रहा था यहाँ और हर बार 1-2 घंटे बैठ के जाता था। उस दिन सुबह 7 बजे ये आए थे, ठीक है, शाम को 7 बजे ही लास्ट दी इन्होंने। अच्छा, 12 घंटे बैठ के, 12 घंटे बैठ के फिर आपने देख ही लिया की परीक्षा तो लगभग आज इसकी पूरी हो ही गई। मेरा कोई ऐसा विचार नहीं था, जब लास्ट में बिल्कुल ज्यादा रिक्वेस्ट की तो मैंने हाँ भरी और की मेरे को उस डोल का पता लग गया था जी। हाँ हाँ हाँ, आपने वो खरीदनी थी। तो और कोई पशु है जो आपके फार्म पे आज के दिन सेल के लिए हो? अभी कोई नहीं है सर, कोई पशु नहीं है, पशु सेल के लिए नहीं है। ठीक है ठीक है, तो चलिए जी, बड़ा बड़ा धन्यवाद राहुल भाई। और क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं भाई साहब, बस अपना यार गर्भ पालने खातर लिए हाँ हाँ, अपना शौक में। और तो यार दोस्त भी आए हैं आपके सारे भाई साहब, सभी भाई, भाई जी आ दो भाई साहब आ दो। तो भाई झूठ तो नहीं है किसी तरह की? भाई कोई झूठ नहीं, सब सच्ची बात है सारी। अच्छा, तो शुभ नाम आपका? अमिताभ। अमिताभ राहुल के साथ ही है? ठीक है, आपका भाई? मैं राहुल के भाई, राहुल के छोटे भाई हो। तो भाई आपका शुभ नाम? करमवीर। सही है, इतने में ही बिकी है, कोई झूठ तो नहीं? अच्छा अच्छा, आप अंकल जी पीछे खड़े हो, शुभ नाम बता दो। देवीराम। देवीराम जी ये भैंस इतने की बिकी है, झूठ तो नहीं है? ठीक है, आप भाई साहब? राम रतन। सही बिक्री है इतने की? इतनी महंगी पूंजी लगाता कभी किसी को देखा था आपने? बहुत कम जी, बहुत कम देखा था। ठीक है, तो देखो फाइनली दोनों भाइयों को बड़ी बड़ी शुभकामनाएं हैं। तो रस्सा वगैरह पकड़वाओगे या कैसे क्या? पकड़वा रहे भाई साहब। हाँ हाँ भाई, ताने ले। तो ये भैंस है जी, और फाइनली 4,70,000 रुपए की बाखड़ी है आज के दिन सेल होकर के जा रही है। हमारा काम है वीडियो कवर करना, जैसी भी जानकारी है पशु पालकों तक पहुंचाते आए हैं, पहुंचाते रहेंगे। और आज की स्पेशल वीडियो मैं कहूँगा डिस्ट्रिक्ट कैथल के गांव खानपुर से है, और ये आप देखो भैंस काफी अच्छी है। तो ये देखो अडर क्वालिटी, लंबाई ऊंचाई हर तरीके से काफी जबरदस्त बफलो है। ये देखो भाई मिठाइयों का सिलसिला, और उन मिठाइयों के सिलसिले के साथ फाइनली ये भैंस खरीदी राहुल भाई ने, और काफ़ी अच्छा जो पशुधन है लेकर के जा रहे हैं। तो दोनों भाइयों को बड़ी बड़ी शुभकामनाएं हैं। ये देखो ऐसे ऐसे पशुधन भाई ने यहाँ पे तैयार कर रखे हैं, और गली में लड्डुओं की मैं कहूँगा। ये देखो भाई सब ले, भैंस की खुशी आप करो भाई सब, लो शुरू करो। तो आज की स्पेशल वीडियो डिस्ट्रिक्ट कैथल के गांव खानपुर से थी, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। एक अच्छा ब्रीडिंग फार्म, एक अच्छा डेयरी फार्म हम कह सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।